क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन पे आपको डेट डली हुई यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा उसके बारे में हम जानेंगे ताकि उसके आसपास की चीज़ें हमें पता चले। हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से बन जाए द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्या है? एक विभाग है। और इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो ASI एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा, किसने? अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था, और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। सरकार के विभाग के रूप में 1871 में इसको गठित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन जो है आपके बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, होमो नलेडी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा होमो नलेडी। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो है 2015 में हुई थी होमो नलेडी की। तो ये 2016 में जो क्वेश्चन आया है, यानी कि ये करंट अफेयर से आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री को करंट से रिलेट यहाँ पर किया गया था। 2015 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और देखिए, इसमें होमो नलेडी नामक जीवाश्म को 0.5 मिलियन यानी 5 लाख कह सकते हैं आप इसको पूर्व माना जाता है। तो इसको 5 लाख वर्ष पहले का ये माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, होमो नलेडी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी ईट के बने भवन। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब वहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? नगर योजना। नगर योजना, ओके। चूँकि विकल्प में नगर योजना नहीं है, अतः कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ के अधिकांश घर जो है पक्की ईंटों से बने हुए थे। अधिकांश जो यहाँ पर घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, ओके। और यहाँ की जो दीवारें थी उन पर प्लास्टर भी देखने को आपको मिल सकता है, ओके, मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह अन्नागार एवं विशाल स्नानागार, ईंटों के बने भवन में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये अभी ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो किस चीज़ के या किस धातु के बने थे पहिए सबसे पहले? तो ये बने थे लकड़ी के। तो लकड़ी के पहिए बने थे सबसे पहले, और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो ये भी आप याद रखना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, और सबसे पहले लकड़ी के पहिए बनाए गए थे, ठीक है। और पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चौक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिनमें बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या ज़्यादातर इसमें देखिए, वशीकरण, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना टोटका, ऐसे भूत प्रेत, ये इस चीज़ों का वर्णन किया गया है, और साथ में इसमें औषधियों का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर,
सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा, यानी सत्य ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है, ये इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते का। और इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो सत्यमेव जयते शब्द जो सत्यमेव जयते शब्द ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है। और यह भारत का राजचिन्ह भी है, क्या है, ये भारत का राजचिन्ह है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया, स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, तो सारनाथ के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। और भारत सरकार द्वारा यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, सत्यमेव जयते को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि किससे, मुंडको उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य तो क्या है, सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, तो ये कहाँ के निकट स्थित है, इसका आंसर रहेगा अंबाला शहर। देखिए कुरुक्षेत्र जो है महाराष्ट्र का एक, सॉरी हरियाणा का, कहाँ का, हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला भी है, ये क्या है, जिला भी है वहाँ का हरियाणा का, और हरियाणा के उत्तर में स्थित है, कहाँ पर है, हरियाणा के उत्तर में स्थित, और अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है, ओके। और महाभारत की लड़ाई आप जानते हैं कहाँ पर हुई थी, कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था वो यहीं पर दिया था, और उसका स्थान का नाम था ज्योतिसर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है, धर्म का विपरीत क्या है, तो धर्म का विपरीत यानी धर्म का विलोम क्या है, इसका आंसर रहेगा अधर्म, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, वैधायन मानव और आपस्तंभ और कात्यायन कौन है, तो ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है, क्या ये गणितज्ञ है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है, यानी भारत के प्राचीन गणितज्ञ है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, तो त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से, किससे, जैन धर्म से। और त्रिरत्न के बारे में बताया गया है जैन धर्म में कि कौन कौन से होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और अगर बात करें सत में विश्वास को ही क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। और जिस सत में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उसका ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान। और कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण करना और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग करना ही क्या कहलाता है, सम्यक चरित्र। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए उल्लेखनीय है कि बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो ये भी क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। लेकिन मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा कहाँ पर मिलती है, जैन धर्म को ही, जैन धर्म में ही की गई है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है, तो पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने, तो ये आपको याद रखना। देखिए प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र जो कि संस्कृत में रचित है का 15 भारतीय भाषा, देखिए 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ पर स्थित है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था टीए का,
यूपी ट्रिपल एस सी टी ए का एग्जाम हुआ था यानी टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था ये कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है। तो त्वांग मठ के बारे में पूछा गया था, तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो त्वांग मठ जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में के त्वांग शहर में, कहाँ पर, त्वांग शहर में, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये त्वांग मठ, ये आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है त्वांग मठ, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पर जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताए जिसे सीट ऑफ द होली भी कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है, आप जानते हैं सारनाथ, तो सारनाथ से आप पता लगा सकते हैं, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो और उसकी जगह का नाम क्या है, धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, देखिए धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो गौतम भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, और धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध, तो ये आपको याद रखना है। और इस स्तूप की जो नींव जो है अशोक के समय में रखी गई थी, और विस्तार की अगर बात करें तो कुषाण काल में हुआ था, लेकिन लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ है, तो गुप्त काल में इसको ये पूर्णतः तैयार हो गया था, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन समय में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही अवध, जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था, तो कौशल नाम से इसको जाना जाता था, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, अयोध्या थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता है बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार चंद्रगुप्त, ये देख सकते हैं यहाँ पर, सम्राट अशोक बिंदुसार के, और जो बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी अशोक जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोत्र यानी पोते थे। चलिए आगे देखते हैं, चाणक्य एक अन्य नाम क्या है, चाणक्य का दूसरा अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर रहेगा। और भी नाम से जाना जाता है चाणक्य को, अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक का इन्होंने रचना की है, और इनको कौटिल्य नाम से, विष्णुगुप्त नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक पर विषय है, तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है किस राजा की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाखा दत्त ने, तो ये भी आपको याद रखना है। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश डाला गया है, प्रकाश पड़ता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहां पर, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, तो ये आपको याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, बृहद्रथ। और देखिए बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने की थी 184 ईसा पूर्व में, और इसकी बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है, तो ये लिखा है कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा,
कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र पांच अंकों का नाटक है, ओके, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है, तो ये आपको याद रखना है। और अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से, क्वेश्चन है यहाँ पर चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो चरक जो है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद शाखा से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, यानी चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे, कौन थे, कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, तो चरक ने चरक संहिता की रचना भी की है और जो चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित थे, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई है, देखिए राजा खारवेल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर बात करें इसके आंसर की ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा खंडगिरी गुफाएं, तो राजा खारवेल द्वारा खंडगिरी गुफाओं की खुदाई की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। और खंडगिरी कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में, कहाँ पर, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित है ये खंडगिरी एवं उदयगिरी की गुफा खारवेल द्वारा निर्मित करवाई गई थी, तो ये देख सकते हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पर, उदयगिरी पहाड़ी की जो हाथी गुफा से उसका एक बिना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उदयगिरी की पहाड़ी से, पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो और इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध यहाँ पर विवरण किया गया है, तो ये रिलेटेड आपको ये याद रखना कि हाथी गुफा जो हाथी गुफा है वो किससे रिलेटेड है, राजा खारवेल से, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और खारवेल के बारे में अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप जानते हैं श्रीगुप्त, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो चीन के थे फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो 12 मिहिर इनके लेखक है तीनों चीजों के, ठीक है, 12 मिहिर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, यहां पर अमरकोश इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहां पर, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जनक जो किसको माना जाता है, यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक माना जाता है, और ज्यामिति शब्द का जो मूल अर्थ है वो है जमीन नापना, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसका जो जनक है वो कौन है, यूक्लिड। नेक्स्ट है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, तो कन्नौज के राजा हर्ष को किसने पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, और इनके जो बीच युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर, ओके, और इसमें क्या हुआ था, हर्ष की हार हुई थी, यानी
हर्ष की पराजय यहाँ पर हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का किन राज्य के राजाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है? तो राज तरंगिणी में किसका? कश्मीर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। और राज तरंगिणी किसने लिखी है? ये कलहड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। ओके, आगे देखते हैं, तांत्रिक योगिनी पंत का मूल स्थान माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है यहां पर देख लेते हैं। तांत्रिक योगिनी, तो ये रहेगा इसका आंसर उड़ीसा। ओके, तांत्रिक योगिनी का जो मूल स्थान है वो उड़ीसा को माना जाता है। आगे देखते हैं, देखिए भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ओके, आगे देखते हैं, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे परमार वंश से। राजा भोज का संबंध किससे है? परमार वंश से, ये आपको याद रखना है। और राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। कौन थे? 9वें राजा थे परमार वंश के। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक क्या किया है? राज्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने राज्य कहाँ पर किया है? धारा नगरी, जो कि मालवा की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो दक्षिण भारत से कौन सा राजवंश संबंधित नहीं था? ये है पालवंश। पालवंश का संबंध जो है उत्तरी भारत से है, न कि दक्षिण भारत से। प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य था वो किस राज्य में मौजूद था, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये था असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। असम राज्य में मौजूद था, और कामरूप असम राज्य में राज्य का एक प्राचीन नाम है। देखिए कामरूप जो है असम राज्य का ही क्या है? प्राचीन नाम है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओके, प्राचीन समय में असम राज्य प्राग्ञ ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो चोल राजाओं में सबसे महान किसको माना जाता है? करिकाल को। ओके, तो ये आपको याद रखना है, करिकाल इसका आंसर रहेगा। और करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पतन यानी कावेरी पतन की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट में आपको याद रखना है कि कावेरी पतन की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने, ठीक है। और करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता, तो इसको देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसको 7 स्वर, करिकाल को 7 स्वरों का ज्ञाता कहा जाता है, ठीक है, तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज ने, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय किसने पाई थी? राजराज ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका की पहली राजधानी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये थी अनुराधापुरा। तो ये आपको याद रखना है, अनुराधापुरा श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो मंदिरों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट आपको टेम्पल जितने भी है वो सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, देखिए बृहदेश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है।
तो कभी कभी तंजावुर भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है और ये क्या है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था, तो ये पॉइंट में आपको याद रखना है। और ये क्या है, द्रविड़ शैली का एक सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। तो किस शैली के अंतर्गत आता है, द्रविड़ शैली के, और इसका जो निर्माण किया था वो किसके समय में हुआ था, राजराज प्रथम के। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था, तो ये इसका आंसर रहेगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने किया था, राजेंद्र चोल प्रथम, इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो चोल वंश से काफ़ी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चोल वंश ये जितने भी वंश हैं तो ये सारे आपको याद रखने हैं। दक्षिण भारत के जो प्राचीन दक्षिण भारत के जितने भी वंश रहे हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था, आंसर रहेगा राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय चोल राजवंश का अंतिम शासक था, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है साथ में मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले के चेर वंश ने किस राज्य पर शासन किया था, इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु और केरल। कहां पर शासन किया था, तमिलनाडु और केरल में, ओके। आगे देखते हैं, त्रिकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा त्रिबलपुर। इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, त्रिबल्लुवर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा त्रिबल्लुवर। और देखिए त्रिबल्लुवर जो है ये त्रिकुरल तमिल भाषा में रचित एक काव्य है, तो तमिल भाषा में ये लिखा गया है, इसकी रचना हुई तमिल भाषा में, ठीक है। और त्रिबल्लुवर ने इसकी रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है, तो अभी हमने देखा ऊपर कि ये जो है त्रिकुरल जो ये है ये तमिल भाषा में रचित है, यानी संस्कृत भाषा में नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो पल्लव वंश के राजा थे जो कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, उनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम, तो महेंद्र वर्मन प्रथम इसका आंसर रहेगा, ओके। तो ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो ये लगभग आपकी 30,000 साल पुरानी गुफाएं मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश, और ये भी याद रखना है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है, लगभग 700 गुफाएं प्राप्त हुई है, और ये 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, ठीक है। और यह लगभग और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बने चित्रों के जो समय है वो लगभग 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है, जो इन पर चित्र बने हुए हैं। तो ये पॉइंट्स में आपको याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स है कि जो भीमबेटका गुफा है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ओके। और लगभग ये 30,000 साल पहले पुरानी गुफाएँ मानी जाती है। आगे देखते हैं, भीमबेटका गुफाएँ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है, ओके। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और इनको जो इनके चित्र है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। देखिए इस स्तूप से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप को। और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप
को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से। ओके, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। और इस स्तूप का जो आरंभिक काल है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सांची स्तूप से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो धमेक स्तूप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ पर है ये, सारनाथ में, सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ में जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है, प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। और धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है यहीं पर इन्होंने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थान दांत मंदिर, दांत मंदिर के बारे में पूछा गया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दांत मंदिर के बारे में, तो दांत मंदिर जो कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है श्रीलंका में, कहाँ पर है, श्रीलंका, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं वह बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है, और ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह डैश में स्थित है। तो ये पूछा गया है जो अजंता की गुफाएं हैं, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो खजुराहो में मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्टता बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया है, और यहाँ के मंदिरों में कदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, और ये किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया है, किस वंश के शासकों ने कराया है, तो आंसर रहेगा चंदेल वंश के शासकों ने। ओके, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खजुराहो मंदिर वस्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, तो ऑप्शन आंसर रहेगा नागर शैली को, तो नागर शैली से रिलेटेड है खजुराहो मंदिर, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है यहाँ पर निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है, तो संगमरमर का जो मंदिर है वो कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो क्या है, एक जैन मंदिर है, और ये संगमरमर से निर्मित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, में स्थित है, और तीर्थंकर यह मंदिर जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव उनको ये मंदिर समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो ऋषभदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तिरुमाला मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो ये है बैंक टाद्री में, तो बैंक टाद्री पहाड़ी पर स्थित है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ पर है, बैंक टाद्री जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश के शासक के दौरान बनाया गया था। यानी पूछा गया है कि कैलाश मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा पल्लवों की, तो पल्लवों के शासनकाल में बनाया गया था कैलाश मंदिर। और कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और द्रविड़ शैली से रिलेटेड है ये, और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजा का नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ओके, जिसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु के तंजावुर में, तो सॉरी मदुरई शहर में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो देवी पार्वती को समर्पित है, जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, लोहे से। देखिए लोहे का होने के बावजूद भी ना तो उसको कोई क्षति पहुंचती है और ना ही उस पर जंग लगता है, तो ये अचंभित कर देने वाली बात है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे धातु का बना हुआ है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ की अगर बात करें तो ये मौर्य वंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व बनवाया था, और ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के महरौली। तो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के पास भी ये स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि अशोक स्तंभ लोहे का बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में। तो ये आपको याद रखना है, अरब सागर में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। और इसमें इसके बारे में अगर बात करें तो जो एलिफेंटा द्वीप है ये, तो इसमें जो है गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट, इसमें जो मंदिरों का निर्माण कराया गया है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूट के जो शासक थे उनके द्वारा इसमें मंदिरों का निर्माण कराया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पगोडा का जो मंदिर कहा जाता है वो है कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा का मंदिर भी कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना की थी इसको किसने बनवाया था, नरसिंह देव ने। ठीक है, नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और ये पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर है, तो सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क मंदिर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आंसर रहेगा सूर्य देव को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जो कि और बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थी। तो ये थी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व की, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं को का घोतक है। सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, संस्कृति। ओके, संस्कृति इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायदार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, आंसर रहेगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दास वंश मतलब गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी
दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना। और भारत में गुलाम वंश की जो संस्थापक है कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन इसने किया था। और मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए सल्तनत का जो पहला तुर्क भी शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सलार की इसने उपाधि धारण की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये, अजमेर में, आंसर रहेगा अजमेर। और ये किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था, ये एक संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने इसको तुड़वा करके इस मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले वहाँ पर क्या था, संस्कृत विद्यालय। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार, सॉरी कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ने इसका निर्माण किया था, मतलब इसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको जो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने कराया था। और एक राजा और रिलेटेड है इससे, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो इसकी ऊंची, जो सबसे ऊपर वाली मीनार थी, मंजिल थी, वो क्या ध्वस्त हो गई थी। चार मंजिल थी उस समय पर, चौथी मंजिल वो ध्वस्त हो गई थी। और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उस मंजिल को हटा करके जो चौथी थी जो ध्वस्त हो गई थी, उसके स्थान पर दो छोटी छोटी मंजिलें बनाई थी, यानी कुल मिलाकर के अब इसमें 5 मंजिलें हैं, जो कुतुब मीनार है इसमें 5 मंजिलें हैं, और ये 234 फीट इसकी लंबाई है। तो ये भी आपको याद रखना है, 5 मंजिलें आपको याद रखना है और 234 फीट इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, तो ये किया था लक्ष्मण सेन को। किसको, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने। तो फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जिनको जाना जाता था वे कौन है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खुसरो। तो आप जानते होंगे कि अमीर खुसरो कौन थे, तबला और सितार के आविष्कारक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो क्या था, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, इनका जो है पूरा नाम था। और ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी कि जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पटियाली गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली, तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किसको बनाया था, किस स्थान पर बदली थी, दौलताबाद, यानी पहले दौलताबाद थी, फिर उसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्यकालीन क्षेत्र से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के जो पहले संस्थापक थे वे कौन थे, तो आंसर रहेगा हरिहर। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, ओके। और विजयनगर की स्थापना जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने, 1336 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। और जो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजा था वो कौन था, हरिहर प्रथम, तो ये आपको याद रखना है। और जो राजधानी थी इसकी वे थी अनेगोंदी, तो ये आपको याद रखना है।
तो इतना ही काफ़ी है इसमें। और जो विजयनगर की जो राजधानी थी ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसका जो राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी में थी, और इसका वर्तमान नाम जो विजयनगर है उसका ही नाम क्या है, हम्पी इस टाइम। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, हम्पी में। और ये राजधानी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी था क्या हुआ करता था, मतलब कहाँ हुआ करता था, तो ये था हम्पी में। ओके, और आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हज़ार स्तंभ मंदिर, यानी हिंदू मंदिर है जिसे हज़ार स्तंभ मंदिर कहा जाता है, यानी थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माणकर्ता कौन था, तो ये था रुद्रदेव, आंसर रहेगा रुद्रदेव। और रुद्रदेव ने ही क्या बनाया था, हज़ार स्तंभ मंदिर बनाया था जो कि तेलंगाना में है, कहाँ पर है, तेलंगाना में, तो ये आपको याद रखना है। और तेलंगाना में स्थित है ये हज़ार स्तंभ मंदिर, और ये विष्णु और शिव तथा सूर्य मूर्तियाँ इसमें स्थित है, विष्णु और शिव तथा सूर्य की जो मूर्तियाँ हैं वो इसमें स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ की राजधानी थी, सिसोदिया वंश की, सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, जो चित्तौड़गढ़ है वो सिसोदिया वंश की राजधानी थी, और जो राणा कुंभा है ये भी सिसोदिया वंश से रिलेटेड है, और राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो राणा कुंभा इसका आंसर रहेगा। और ये हिंदू वेद शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया, इसको क्या कहा गया है, हिंदू वेद शास्त्र देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसने बनवाया था, यानी जंतर मंतर जो दिल्ली में स्थित है वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ओके, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था, जो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था, महाराजा सबई जयसिंह ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर एक का जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो ये क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय वेधशाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, हवा महल जो कि कहाँ पर है, राजस्थान के जयपुर में, किसने करवाया था उसका निर्माण, आंसर रहेगा महाराजा सवई जयसिंह प्रताप, मतलब महाराजा सवई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है, और ये 1799 ईस्वी में इसको बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल के साम्राज्य के दौरान किया गया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रश्न है आपको एक बुक में आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आप ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था, तो उस बीमारी का नाम था प्लेग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। जो चार मीनार जो बनाया गया था वो प्लेग जो बीमारी थी उसकी समाप्ति की खुशी में ये बनाया गया था चार मीनार, और 1591 ईस्वी में इसको बनाया गया था, और बनाया किसने था, कुली कुतुब शाह ने, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चार मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और प्लेग जो रोग होता है उसकी समाप्ति की खुशी में ये बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आप जानते हैं कौन सी, चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डैश और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को की समाधि है, तो जो मोहम्मद आदिल शाह है उनकी समाधि बीजापुर में किस नाम से है, गोल गुंबज। ओके, जो गोल गुंबज है बीजापुर में वो क्या है, मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे
अंग विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह है बोडेया महाराज का निवास भी था। तो ऐसा ये कौन सा महल है उसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मैसूर महल, मैसूर महल इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये यहाँ से मुगल काल के जो प्रश्न हैं स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन मुगल काल से पूछे गए हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप जानते हैं, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल वंश का जो प्रथम बादशाह था कौन था? बाबर था, ठीक है, जिसने केवल दिल्ली को, एक मिनट यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो मुगल वंश का जो प्रथम शासक था, जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया है, ठीक है। और 14 फरवरी 1483 को फरगाना के छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था और ये दिल्ली में शासन करने से पहले कहाँ का शासक था? ये फरगाना का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फरगाना का ये शासक रहा था, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया, तो किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया बाबर ने? पोलो, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बाबर पोलो का शौकीन था, मतलब पोलो खेलता था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो सुल्तान कौन से वंश के शासक को नहीं कहा जाता था? ये है मुगल वंश के शासक, ठीक है, इनको सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम, यानी अंतिम से स्टार्ट करना है आपको, बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे लास्ट में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, उससे पहले कौन था? औरंगजेब, औरंगजेब से पहले कौन था? शाहजहां, शाहजहां से पहले कौन था? अकबर। तो इस प्रकार ये क्रम यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सही क्रम में, सीधे क्रम में। देखिए अकबर था 1556 से 1605 तक रहा, और अकबर का पुत्र था शाहजहां जो कि 1627 से 1658 तक रहा, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा, और औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह। तो ये आप बहादुर शाह जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक ये रहा है, तो अंतिम शासक था ये मुगल का बहादुर शाह द्वितीय, ओके। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध जो किया था वो चांद बीबी ने किया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल खास महल और दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? तो कौन सा किला है? आगरा का, जो आगरा का फोर्ट है यानी आगरा फोर्ट, उसमें ये सारी चीजें स्थित है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना कि कौन सी फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कुतुबशाही जो मकबरा है, कुतुबशाही मकबरा जो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में आप जानते हैं, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन कुतुबशाही मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, और ये आपको याद रखना है। जो कुतुबशाही मकबरा है वो कहाँ पर है? सीकरी में स्थित है, सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी में नहीं होकर के कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, तो ये जो है हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब सबसे इनमें डिफरेंट कौन सा है आपको बताना है? तो डिफरेंट हो जाएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन भी आया है। और यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के, मतलब उनकी मैरी के मुंबई आगमन के अवसर पर ये बनाया गया था उनके स्वागत के लिए। तो ये आपको याद रखना है और आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया था और गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण अपोलो बंदर पर कराया गया है। तो कहाँ पर है, अपोलो बंदर पर, यानी अपोलो बंदरगाह पर ये इसका निर्माण कराया गया है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया था और ये भी आपको याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का जो महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, अकबर ने। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है कि इसका निर्माण, इन तीनों का निर्माण अकबर ने कराया था जबकि गेटवे ऑफ इंडिया अकबर ने नहीं करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया है, तो शाहजहाँ। तो ये आपको पता ही होगा, शाहजहाँ ने बनवाया था लाल किला। कब बनवाया था, 1648 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने, ये भी आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कौन सी ऐसी जगह है इन चारों ऑप्शन में से जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नहीं है। आंसर रहेगा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहां पर है, हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है और हुसैन सागर झील के पास में है ये गोलकुंडा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था, तो आंसर रहेगा कोचीन। यानी देखिए यहाँ से यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है वो स्टार्ट हो जाता है और जो भारत में जो पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले मतलब किले का निर्माण कराया था, किया था, तो ये था कोचीन। तो कोचीन में सबसे पहले कोठी बनाई थी पुर्तगालियों ने, ठीक है, भारत में। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या किला कह सकते हैं आप इसको, वो कहाँ पर, यूरोपीय दुर्ग कहाँ पर बनवाया था, किसने बनाया था, इसी ये बनाया था अल फ्रांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में ये बनाया गया था कोचीन में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अल्बुकर्क ने बनाया था 1503 में, कहाँ पर, कोचीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो ये आए थे 16वीं सदी में, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर पुर्तगाली जो थे वो अल्बुकर्क आया था सबसे पहले, अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यानी यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर, गोवा पर इसने अधिकार कर लिया था, तो ये आपको याद रखना है, आदिल शाह को पराजित करके 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था, तो 1505 में किस किले का निर्माण कराया गया था, सेंट एंजेलो फोर्ट, यानी सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। कब कराया गया था, 1505 ईस्वी में। और ये जो थे पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट यानी केरल का जो निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर कराया था इसका निर्माण, केरल में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, मतलब उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सूती एवं रेशमी, जो सूती एवं रेशमी कपड़े से बने कपड़े का जो व्यापार करता था, निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया, तो मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो ये आई थी 1600 से 1612 ईस्वी के
बीच में इसने अपने को मतलब भारत में स्थापित किया था। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, किसने, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। इसको 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व के साथ, इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने किया था, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। और आगे यहाँ पर, जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टम अथवा इसको मछलीपट्टम भी कहा जाता है में एक स्थायी कारखाना, सॉरी अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ पर बनाया था, सूरत में। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टम में और स्थायी कारखाना सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। मतलब ऐसा इनमें से चार में से कौन सा युद्ध है जो भारतीय और अंग्रेजों के बीच नहीं लड़ा गया है। तो इसका आंसर रहेगा एंग्लो वर्सेस बांग्ला, जो युद्ध था वो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं था, बाकी ये जो तीनों युद्ध है वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए। तो इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। तो ये पूछा गया है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, आप जानते हैं किस झील के किनारे पर है, अमृत सरोवर झील। तो अमृत सरोवर झील के किनारे पर है स्वर्ण मंदिर। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर के मध्य या किनारे पर कह सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको बताना है, 5 शहरों में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, और ये 2017 में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, और ये आप 5 शहर का नाम भी याद रख सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ठीक है, इन 5 शहरों में वेदशालाओं यानी जंतर मंतर का इसने निर्माण कराया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किससे युद्ध किया था, मतलब अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मराठाओं ने, ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो आप जानती हैं 1761 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के दौरान समाप्त हुआ था, किस संधि के परिणाम स्वरूप वो समाप्त हुआ था, तो ये थी श्रीरंगपट्टम की संधि, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, चिलियावाला जो युद्ध हुआ था वो 1849 में लड़ा गया था। चिलियावाला युद्ध कब हुआ था, 1849 में, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये आप जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, ठीक है, और ये कब लड़ा गया था, 1757 में, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में, ठीक है, और इससे पहले युद्ध हुआ था एक 1764 में बक्सर का युद्ध, और उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए,
आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को, यानी नवजागरण या नव भारत का जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा की जो शुरू करने की जो वकालत थी वो किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये देखिए, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन का जो गठन किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। बेलूर मठ, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है बेलूर मठ। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? 1893 में किया था स्वामी विवेकानंद ने, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो ये इसका आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विष्णु शास्त्री, चिपलुणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? तो इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफ़ी इजी टफ क्वेश्चन है यहाँ पर, संरचनात्मक व्यवहारिकता आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ईवी रामस्वामी ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईवी रामस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं उपनाम, कथन और पुस्तकों से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये आप जानते हैं महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है गुरुदेव नाम से, और महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 40वां अधिवेशन था, उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है। और इनको भारत की कोकिला के से सम्मानित किया गया था,
तो ये आपको याद रखना है। आगे है क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इनके कई नाम थे, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान, तो बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता था या जाना जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, और ये पूछा गया कि यह शब्द किसने कहे थे? तो ये पूछा गया कि शब्द किसने कहे थे, दलाई लामा ने ये शब्द कहे थे, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे, मतलब कौन थे? तो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के जो रचयिता थे वे थे पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो जो असंगत है वो है जैन धर्म और उपनिषद, ठीक है, यहाँ पर ये संगत नहीं है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं इस्लाम धर्म का संबंध कुरान से है, सिख धर्म का संबंध है गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई धर्म बाइबल, लेकिन जो जैन धर्म है वो उपनिषद से संबंधित नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद जो है वो किससे रिलेटेड है? वैदिक धर्म से, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज बुलर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर की गई थी? तो भारत से बाहर जो स्थापना की गई थी वो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना भारत के बाहर की गई थी, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, मतलब इनमें से चार में से बताना है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जिनको ब्रिटिश द्वारा फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था, तो ये उनके हाथ नहीं आए थे, बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगाई गई थी, तो ये आपको पता होगा। आगे देखते हैं, तो 1930 देखिए इनको जो फांसी लगाई गई थी वो 1930 में लगाई गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तो ये आपको याद रखना है, मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी 1930 को, और 23 मार्च 1931 को भारत के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज या जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर यानी जलिया जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उनके साथियों ने, यानी भगत सिंह और उसके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो ये था प्रतिलता वाडेदार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, प्रतिलता वाडेदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो कमला लिखा था बीडी सावरकर ने, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बीडी सावरकर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिपिन चंद्र पाल सहित तीन लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य दो कौन थे? तो आप जानते हैं बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भारत में 1857 के विद्रोह से, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में उनका देहांत हो गया था ब्रिटिश से लड़ते हुए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो ये है अशफाक उल्ला खान, ठीक है, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, मतलब 1857 की क्रांति से रिलेटेड नहीं थे अशफाक उल्ला खान, बाकी ये तीनों थे, ठीक है, आपको पता होगा। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं किया गया था? तो कौन सा विद्रोह था? ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाड़ी विद्रोह जो था वो ब्रिटिश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, सिविल सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको माना जाता है? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ओके, आंसर रहेगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो सती प्रथा का जो विलियम बेंटिंग के द्वारा ये लागू किया गया था, यानी इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप जो है डलहौजी ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की जो नीति, लैंप की नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ओके। तो फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब जो भारत का शासन था वो कब आया था? 1858 में, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बताऊँगा, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और कम समय में मुझे कराने हैं, तो इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर पर फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? आंसर रहेगा 1919 में, तो 1919 में ये आया था मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था, फोर्ट पुनः निर्मित होकर के आया था 1919 में, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किए, तो ये कथन सही नहीं है, गलत है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों कथन है ये सही है कि अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम ने केंद्र विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है, ये भी सही है, और अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है, तो ये तीनों पॉइंट ऊपर के जो है वो सही है, और लास्ट का जो डी पॉइंट है वो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो आर्थिक आर्थिक अवस्था से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पर 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, 1866 में की थी, काफी इंपोर्टेंट है। आगे है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था 1905 में, तो ये आपको याद रखना 1905, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा थी वो 7 अगस्त 1905 को की गई थी, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल और बाल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उग्रवादी दल के नेता थे, तो इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन की मतलब स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? मतलब जो नई दिल्ली थी वो भारत की राजधानी कब बनाया गया था इसको? 1911 में। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कई बार पूछा भी गया है, 1911 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया। यानी दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी कलकत्ता, और 1911 में कलकत्ता से बदल करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। तो काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो अभी हमने पढ़ा है कलकत्ता से, ठीक है, पहले कोलकाता थी, फिर उसके बाद 1911 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये क्वेश्चन जो है अभी कई मतलब रिपीट होते रहता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 में, ठीक है, 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, और जो एक वंदे मातरम गाया गया था 1896 में वो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो ये किया गया था केसरी। लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार की शुरुआत की गई थी? अखबार था वो केसरी, ठीक है, आंसर रहेगा केसरी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था त्रिपुर कुमारन, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुर कुमारन ने देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो आंदोलन से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आंदोलन भी आपको पता होने चाहिए, आंसर रहेगा एनी बेसेंट, इसका आंसर रहेगा एनी बेसेंट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ जो इंडिया मतलब कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा के दौरान यानी उनके स्वागत के लिए बनाया गया था 1911 में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? आंसर रहेगा अतुल डोलिया। अतुल डोलिया इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई है, महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था? तो आंसर रहेगा भारतीयों के सहयोग से, जो मतलब ब्रिटिश शासन जो स्थापित किया गया था वो भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। तो ये इस पुस्तक में लिखा गया है, हिंद स्वराज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, और ये नील की खेती से रिलेटेड था, ये आपको याद रखना है, और बिहार में पड़ता है चंपारण। तो ये आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, 1917 में। ठीक है, 1917 में ये आंदोलन मतलब किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रोलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, बैसाखी त्यौहार था उस दिन। ठीक है, क्या कौन सा त्यौहार था, बैसाखी। तो ये आपको याद रखना है, बैसाखी त्यौहार के दिन जो जलियांवाला जो कांड हुआ था कहाँ पर, अमृतसर में, ये अमृतसर में हुआ था बैसाखी त्यौहार के दिन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जनरल डायर था उसने वहाँ पर गोलियों की मतलब अनुमति दी थी, गोलियाँ चलाने की ऑर्डर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि गोलियाँ चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, तो इनका नाम था एडवर्ड हैरी डायर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल और डायर यानी जो जनरल डायर थे को किसने मारा था? तो ये आपको पता है किसने मारा था, उद्धम सिंह ने इनको वहीं पर जाकर के मारा था। तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उद्धम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था, तो वहां पर इन्होंने जाकर के उसको मार दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था, आम दंगे। तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आम दंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहां पर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक थे? तो आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। नेक्स्ट है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास आयंगर।
आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास अयंगर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 1927 में एक कमीशन आया था साइमन कमीशन, उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि, क्यों किया गया था, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जो ये साइमन कमीशन भारत आया था, इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि जो ये कमीशन था, जो ये आयोग था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ओके, इसलिए इसका बहिष्कार भी किया गया। नेक्स्ट है 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पद यात्रा के साथ आरंभ हुआ। तो आंसर रहेगा साबरमती, तो साबरमती इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो है परफेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये निशान यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं, जो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी गुजरात के, जो दांडी मतलब गुजरात में पड़ता है कि नवसारी जिले में, गुजरात के नवसारी जिले में जो दांडी पड़ता है वहाँ पर पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो ये रहेगा इसका आंसर कि 12 मार्च 1930 से ये चले थे, ठीक है, अपने 78 सहयोगियों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को ये वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो पूना समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था, ये आप जानते हैं, ठीक है, 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजन किए गए थे। तो किस साल में किए गए थे, ये आपको बताना है, ब्रिटिश भारत में ये चुनाव। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर हम स्किप करते हैं, अभी इसके पूरे ऑप्शन नहीं दिए हुए यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहां पर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 1942 में, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे। तो ये थे सर पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस इसके जो मतलब मुख्य अध्यक्ष कह सकते हैं इस मिशन के, कैबिनेट मिशन के। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो ये था हैदराबाद, हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो ये आपको याद रखना है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो आंसर रहेगा हैदराबाद, जो हैदराबाद की रियासत थी वो सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो उस समय पर 565 रजवाड़े थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, कौन व्यक्ति थे वे। खान अब्दुल गफार खान, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी।
तो जो भारत का, जो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, इसकी घोषणा किस तारीख को की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बनाए दिए जाएंगे, ठीक है, इसको इसका विभाजन कर दिया जाएगा। तो 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था 1947 में। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था, तो मतलब ये जब आज़ादी मिली तो वो किस समय पर मिली, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आधी रात का समय था, यानी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब भारत को आज़ादी मिली वो समय था आधी रात, यानी आधी रात में भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है, रात के समय में ये घोषणा की गई थी भारत को आज़ाद, मतलब भारत आज़ाद है। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के स्वतंत्रता के दौरान बाद तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था, तो गोवा पुर्तगालियों का राज्य था, या मतलब आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा पर किसका राज था, पुर्तगालियों का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कि गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ, तो 1947, 65, 71 और 62, तो 62 में जो है युद्ध नहीं हुआ है, तो बाकी ये 47 में भी बंटवारा हुआ है, ठीक है, 65 में हुआ है, 71 में भी हुआ है, लेकिन 1962 में युद्ध नहीं हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 47, 65, 71 और एक 1999 में भी, ठीक है, तो ये चार युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी, तो चार युद्ध हुए हैं लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच जिसके बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी 1965 का जो युद्ध था उसके बाद जो है ताशकंद की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 से पहले की ठीक पहले की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये अल रसली बिल्डिंग में, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिमला समझौता 1972 पर किसके या किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, शिमला समझौता हुआ था उस पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे, तो इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो द्वारा, तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से देखिए विश्व मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, आप जानते हैं कि चीन में एक बहुत ही बड़ी दीवार है, बहुत ही विशाल दीवार है, उसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, ये किया था क्विन सी हुएंग ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है, निषिद्ध शहर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी बीजिंग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकॉफ द्वारा किया गया था, तो आंसर रहेगा माचू पिच्चू, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, तो मिस्र में पिरामिड है ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी खुफू पिरामिड, ये सबसे बड़ा पिरामिड है मिस्र का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों के प्राचीन शैली को क्या कहते हैं, तो आंसर रहेगा हाइरोग्लिफिक्स, हाइरोग्लिफिक्स कहा जाता है मिस्र के जो प्रतियुक्त यानी चित्रित लेखों की जो प्राचीन शैली है उसको कहा जाता है हाइरोग्लिफिक्स। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो ये किया गया था 1989 में,
बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेकंड इंडो चाइना युद्ध, सेकंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जाना जाता है वियतनाम का युद्ध को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से, आप जानते हैं भारत सॉरी जो मतलब युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए गए थे, तो एक बांग्लादेश हो गया था और एक क्या पाकिस्तान। तो इस तरह से बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्र किया गया है? पाकिस्तान से। तो यहां पर देख सकते हैं वर्ष 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को। आगे बढ़ते हैं, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के दौरान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के दौरान बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे ताजुद्दीन अहमद। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था? तो ये रहेंगे नवाज शरीफ। उस टाइम पे कौन थे पीएम? नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख ड्रक ग्यालपो यानी ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो वे थे ऑप्शन नंबर सी, ओगियन बैंगचुक। तो ये रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश शाल में लड़ी गई। मतलब जो गुलनाबाद की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर बी यानी 1722 में लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होताकी वंश जो है अफगानिस्तान का ये वंश है और यहाँ पर ये विकसित हुआ था। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो चाइना की, ठीक है, चाइना इसका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर, पोताला महल का क्या महत्व है? जो पोताला महल है उसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर रहेगा दलाई लामा का जो सर्दियों के समय का पुराना आश्रम स्थल। तो जो दलाई लामा है उनके सर्दियों के समय का पुराना ये आश्रय यानी आश्रय स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चला था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो 100 वर्षों से भी अधिक तक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है? तो कार्ल मैक्स ने अपनी एक परिभाषा दी है धर्म के बारे में। उन्होंने बताया कि गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। धर्म जो है गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, और हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने सारे कवर कर दिए हैं आपके 5 पार्ट्स में। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। और पीडीएफ आप अगर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और एक बार इनका रिविज़न ज़रूर कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।